हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम लोग रात में क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये बिकल भैया बताएंगे, क्योंकि वो सरप्राइज है। उससे पहले जो है आप लोग वीडियो तो देखिएगा ही, चैनल को लाइक कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है अभी हम लोग जाने वाले हैं भूतनाथ, साथ में विकास भी है और अमन भी आ गया है। अमन जो है फ्रिज से कुछ निकाल रहा है। तब अमन कुछ बताओ अपना घर का एक्सपीरियंस, और अमन जो है क्या निकालने का कोशिश में है, कुछ खाने पीने का आइटम है। लोग भूतनाथ जा रहे हैं कि पता चलेगा क्या है सरप्राइज। और ये हम लोग सब कोई का फोटो भी है। चलिए हम लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आगे ले चलो, अच्छा हमको ज़्यादा करो। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और अभी आपको हम दिखाएंगे कि वो सरप्राइज क्या है। सरप्राइज आगे से वो स्टार्ट ही है। हमारा सरप्राइज यही है कि रोहित भैया ठार लिए हैं, वो भी अचानक से प्लानिंग हुआ। अभी हम लोग थार में सब बैठ चुके हैं और भूतनाथ के लिए निकल रहे हैं। इधर चढ़ाएंगे, आएंगे अभी थोड़ा सा। आगे बैठा हुआ है रोहित। हाँ तो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं घर से भूतनाथ की ओर। बोल तो विकल्प थार चला रहा है और यहाँ पे कल बहुत ही एंजॉय कर रहा है थार को, ये आप देख सकते हैं। 2x में चला रहे हैं, दो चक्का घूम रहा है अभी ये 2x में चला रहा है। और इसका ये कहना है कि कितना भी बड़ा ब्रेकर रहे, थार इजी वे में पार कर रहा है। तो भैया कैसा लग रहा है थार चलाने में? ये हम लोग सबको यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं थार का राइड को। अमन, तुमको भी क्या चलाने का मन कर रहा है, क्योंकि तुम तो मेन राइडर हो हमारे। आते समय ओके। तो नेक्स्ट राइड का क्या प्लान है भैया? नेक्स्ट राइड जो है हम लोग सिल्लीगुड़ी मारने वाले हैं और देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बीच बंगला आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक सिग्नल में फंस चुके थे पीछे। बंगला क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी सिग्नल है। और बीच बंगला में आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अंडरपास बनाया गया है जो कि अभी चालू नहीं हुआ है। आज का ही डेट था इसको चालू करने का, बट किसी कारण से आज इसे चालू नहीं किया गया है। और इसी के नीचे एक ये फुटब्रिज भी है, मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉसिंग है वो तीन तीन क्रॉसिंग है, एक फुटब्रिज और एक ये अंडरपास और एक ये अपर पास जहाँ से हम लोग जा रहे हैं जो रोड है। और यहाँ पे सिग्नल जो है ये बहुत ही, मतलब हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। और हम लोग बीच बंगला क्रॉस करके सेंट्रल मॉल के करीब आ गए हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सॉल्ट लेक की तरफ से बाबा भूतनाथ के दरबार की ओर बढ़ेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे सेंट्रल मॉल के जस्ट सामने में एक फील्ड है, वहाँ पे मेला लगा हुआ है अभी। और ये मेला काफ़ी आकर्षक है। मैं आपको ज़्यादा करीब से तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है। और मेला का हमारा वीडियो जो है वो हम लोग चैनल में अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो अगर चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, वो भी आप वापस वहाँ से देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग न्यू टाउन एरिया क्रॉस करके सॉल्ट लेक की तरफ आ चुके हैं और अभी हम लोग सेक्टर 5 में हैं। यहाँ पर सेक्टर 5 से हम लोग डायरेक्टली इंटर करेंगे सेक्टर 2 की तरफ और फिर उसके बाद हम लोग ओल्ड कोलकाता में इंटर करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग ओल्ड कोलकाता इंटर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सामने में जो ये बिल्डिंग है ये टेक्नोपोलिस है और इसे क्रॉस करके ही हम लोग अभी जाएंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहती है क्योंकि सारा आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इधर ही है। तो ऐसे तो आज छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी रात को जितने भी सारे कंपनीज हैं वो सारा वर्क करते हैं, तो आज को भी वर्किंग है उन लोगों का। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बताओ? मजा आ रहा है लेकिन थोड़ा सा सर्दी हो गया है इसके कारण अस्वस्थ फील कर रहा हूं। बाकी सब सही है? सब सो रहे थे तो उठा दिया। और पांडे तुम अपना वक्त तुम हैप्पी है? हम बहुत ही हैप्पी हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा भूतनाथ के दरबार जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा खुश रहते हैं बाबा के पास जाने के लिए। और विकल्प काफी एंजॉय कर रहा है राइड को। तो गाइस अब हम लोग भूतनाथ पहुंच चुके हैं, बस बाबा के मंदिर की तरफ टर्न लेंगे। यहाँ भी एक मंदिर है और इन सबको क्रॉस करते हुए हम लोग बस अब बाबा के दरबार में जा रहे हैं। और भूतनाथ जाने के लिए हमें एक छोटा सा ये रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके जाना होता है, तो ये अभी कॉन्सिडेंटली खुला हुआ है तो हमें परेशानी नहीं होगी इसको लेकर। तो हम लोग अब इसे क्रॉस करके यहाँ से डायरेक्ट बाबा के दरबार में पहुँच रहे हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं बाबा भूतनाथ के दरबार में। मैं फिलहाल आपको गाड़ी के अंदर से ही बाबा के मंदिर का दर्शन करा दे रहा हूँ। बाबा के भक्त लोग यहाँ से आरती कर रहे हैं और ये देखिए बाबा का मंदिर है भूतनाथ धाम। तो गाइस अभी हम लोग भूतनाथ पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग पूजा करेंगे और फिर गाड़ी का पूजा करवाएंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं। रोहित भैया लोग खड़े हैं और ये है विकास भैया जहाँ से हम लोग पूजा का सामान लेंगे। और इधर विकास भैया खड़े हैं और ये है हमारे और यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, चलिए दर्शन कराते हैं बाबा का। अब हम लोग भूतनाथ मंदिर से निकल गए हैं, बाबा के पास से निकल के हम लोग जा रहे हैं के पास।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो गंगा मैया। तो अभी हम लोग बजरंगबली मंदिर से पूजा कर आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर और तारा माँ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद साथ में दर्शन करते हैं। हम लोग का पूजा खत्म हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं, अब गाड़ी का पूजा करवा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। गाड़ी पूजा करके चाय का टपरी पे मिलेंगे। और अभी हम लोग भूतनाथ का जो है स्पेशल चाय नीमकी मार रहे हैं अभी, बस ये अभी खाने के बाद डायरेक्टली फिर थार में चढ़ेंगे
और फिर वापस घर की ओर निकलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ट्रैक पे। तो गाइस अभी हम लोग भूतनाथ से वापस आ गए हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग।